आज 14 फरवरी 2020 है और शुक्रवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। फागुन मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है शाम 6:21 तक और उसके बाद सप्तमी तिथि। चित्रा नक्षत्र है सुबह 7:27 तक और उसके बाद स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे तुला राशि में। आज भद्रा है शाम 6:21 से देर रात 5:21 तक। आज 14 फरवरी 2020 को द्विरागमन और व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त है सुबह 7:01 से सुबह 7:27 तक। देव प्रतिष्ठा का मुहूर्त है सुबह 7:01 से सुबह 7:27 तक और उसके बाद दोपहर 1:03 से दोपहर 1:26 तक। विद्या आरंभ करने का, मुंडन संस्कार का, नामकरण संस्कार का, मशीनरी या वाहन खरीदने का और पुराने घर में प्रवेश करने का मुहूर्त है सुबह 7:01 से शाम 6:21 तक। और नए घर की नींव रखने का मुहूर्त है दोपहर 1:03 से शाम 6:21। मेष राशि वालों का, लोगों के प्रति मन में अविश्वास रहेगा तो आपकी अपनी कोशिशें कमजोर पड़ती चली जाएंगी और कुछ भी अच्छा नहीं लगे। शायद यही वजह है कि लोग भी आपके खिलाफ होते चले जा रहे हैं क्योंकि आप उस भरोसे को जगा ही नहीं पा रहे जिसकी इस समय जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों को भी संभालना होगा और किसी भी तरह के नए विकल्प में हाथ डालने से फिलहाल बचना होगा। वृषभ राशि वालों के लिए चाहे किसी भी तरह का विचारों का मतभेद हो या सेहत से जुड़ी किसी बात को समझने की जरूरत है। कोई ना कोई गलतफहमी पैदा उत्पन्न हो सकती है, इसलिए हर बात को पूरी तरह से समझने की कोशिश करनी होगी और अपनी बात को भी सही रूप से समझाने की कोशिश करनी होगी। मिथुन राशि वालों के लिए किसी प्यार के रिश्ते से जुड़ी अच्छाई बनी हुई पर ऐसा लगता है जैसे आपने ही अपने कदम पीछे खींच लिए क्योंकि आप ही को इस बात का भरोसा नहीं हो पा रहा कि आप उस रिश्ते को कैसे निभा पाएंगे। जिंदगी हम सब के साथ कोई ना कोई इस तरह की आंख मिचौली जरूर खेलती है। कर्क राशि वालों के मन में अपने भविष्य को लेकर जो भी असमंजस है उसे हटा देने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सिर्फ परेशान होने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस समय आपकी मेहनत में जो कमियां हैं उस ओर ध्यान देना होगा ताकि भविष्य को संवारने में मदद मिल जाए। सिंह राशि वाले कोशिश तो बहुत कर रहे हैं पर इस चीज का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा, बल्कि आपकी कोशिशों से लोगों को ज्यादा फायदा होता चला जा रहा है। लोगों के प्रति आपके मन की व्यथा भी इस वजह से बनी हुई। कन्या राशि वाले अपने काम से जुड़े लाभ को लेकर खुश पर काम की वजह से आपके मन में बहुत सारी चिंताएं उभर रही। यही कारण है कि कई तरह के बदलाव से जुड़े विचार हैं आपके मन में जिन्हें बढ़ावा देना इस समय ठीक नहीं। तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है पर आप उस अच्छाई को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे। सब कुछ ठीक होने के बावजूद आप तकदीर को कोसते चले जा रहे हैं जबकि उस अच्छाई की ओर देखें जो आपके समर्पण को दर्शा रही है। क्या करना चाहिए समय? अपने अंदर बहुत सारी विनम्रता लानी होगी ताकि खुद की गलतियों से बचा जा सके। वृश्चिक राशि वालों का मन उचाट है और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा पर मन में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो वाजिब नहीं। खुद को दुखी करने के रूप में आपने अपने विचारों को बहुत भटका रखा। क्या करना चाहिए समय? किसी प्यार के रिश्ते की ओर आपका झुकाव अच्छा है और आप अपनी बात कहना चाह रहे पर ऐसा करने से पहले आपको बहुत सारी चीजों को सोच लेने की जरूरत है। धनु राशि वालों की लोग मदद कर रहे हैं और पैसे की स्थिति भी ठीक है पर आप लोगों पर उतना भरोसा नहीं कर पा रहे जितने की जरूरत है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लोगों से तालमेल बनाकर चलने में ही फायदा है। क्या करना चाहिए समय? ये आपकी अच्छाई है कि आप सबका ख्याल रख रहे हैं पर ऐसा करते हुए आपका अपना नुकसान होता चला जाए ये बहुत हद तक संभव। मकर राशि वालों की कामकाज की स्थिति ठीक है पर आपको लग रहा है कि आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा रहा है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपका व्यवहार बहुत सख्त है जिस वजह से विचारों का मतभेद उभर सकता है। क्या करना चाहिए समय? अपनी अच्छाई दर्शाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और हो सकता है उसमें से आपकी मेहनत किसी न किसी रूप से बिखरती भी चली जाए और आपका नुकसान होता चला जाए। फिर भी अपनी कोशिशों को सही दिशा में बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। कुंभ राशि वालों की हालात मदद ही करना चाह रहे हैं और काम से भी लाभ बना हुआ है पर आप उस लाभ के प्रति लापरवाह होते चले जा रहे हैं इसलिए आपकी गलतियों भरा समय। क्या करना चाहिए समय? निजी जीवन में तालमेल बनाए रखने से आपकी जिंदगी का सुख और सुकून बना रह सकता है। रोजमर्रा की बनती बिगड़ती बातें फिर भी रहेंगी जिसे सच्चाई के रूप में कबूल कर लें और अगर जमीन जायदाद से कोई लाभ बन रहा है तो उसे भी बचाए रखने की कोशिश कर लें। मीन राशि वालों का, रिश्तों के प्रति मन परेशान रहेगा तो अविश्वास के बादल छाए रहेंगे जिन्हें दूर करना हमेशा ही मुश्किल होता है। इसलिए अपने मन में बहुत सारा धैर्य बनाना होगा ताकि लोगों से व्यर्थ में फासले ना बढ़ते चले जाएं। क्या करना चाहिए समय? अपनी इस समय की चुनौतियों को इस रूप से समझें जो आपकी मेहनत को जगाए और आपको सही दिशा में प्रयास करने के लिए मदद मिलती चली जाए।